दोस्तों देखिए, अब हम पहुँचे हैं रानी देह पर। हमने सामने वो जो बिल्डिंग है उसमें उस युद्ध काल के दौरान रानियां रहा करती होंगी। जैसा कि बताया जाता है कि वो सामने जो गुहर फोर्ट दिख रहा है उस पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ, संभवतः युद्ध कहीं और हुआ हो, तो जब उनको लगा कि अब हार निश्चित है, तो उसके बाद रानियों ने इस रानी देह से कूद कर, इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दी और उसको नाम दिया गया जल जौहर। तो ये वो जगह है जहाँ पर, जिसको रानी देह बोला जाता है, और वो सामने जहाँ से नदी गिरती है तो उसको भड़का प्रपात कहा जाता है। तो अभी तो पानी नहीं है, लेकिन जब भी पानी आता होगा और ऊपर से गिरता होगा तो संभवतः वह भड़का प्रपात है। और ये है महल जहाँ पर रानियाँ रहा करती होंगी और यहाँ से उन्होंने जल जौहर किया है। जैसा कि उसमें बताते हैं कि 8 खाटों का जो उसमें जो रस्सी लगती है वो इतना गहरा था, लेकिन इतना गहरा तो है नहीं। तो जैसा कि मुझे लोकल्स ने बताया, ये है वो रानी दल जहाँ से रानियों ने जीवन निछावर कर लिया अपनी इज्जत के लिए। और अभी पूरी नदी सूखी हुई है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी है। तो अब हम वापस चलते हैं का गागरन गुगोर गुगोर एंड गागरन सैंड टाम है शम शब्द है इसलिए गुगोर गागरन कुछ भी मुँह से निकल जाता है। तो इसका टूर पूरा हुआ, अब हम चलते हैं अटू की तरफ, वहाँ गड़गच और फूल देवरा का एक टेंपल है वो हम देखेंगे। यहाँ पर काफ़ी पूरा पहाड़ी एरिया है, खनन हो रहा है, यहाँ पर नदी सूखी हुई है तब भी खनन हो रहा है। और ये पूरी लाल मिट्टी है जिससे घरों को पोता जाता है, गेरू मिट्टी। ओके गाइस, मिलते हैं फिर।